हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। इसके मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए नींबू का रस, लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और काली मिर्च। इन सभी को मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे और गैस पर कढ़ाई रख देंगे, उसमें थोड़ा सा हम सरसों का ऑयल डाल देंगे। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे जैसे ये फ्राई होगा ये सॉफ्ट होता जाएगा। और हमें इसे 10-15 मिनट के लिए इस पर ढक्कन लगा के हमें छोड़ देना है। और दूसरी साइड में हमें एक पतीला लेना है, उसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें हमें खड़े मसाले डालेंगे। ध्यान रहे कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो। अब हम ग्रेवी के लिए प्याज और लहसुन इसमें डालेंगे और हमें इसे अब भूनना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अगर ये कलर इसका ब्राउन नहीं होगा तो ये कच्चापन चिकन में आएगा, इसलिए हमें इसे ब्राउन होने तक भूनना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो हम इसमें अब टमाटर डालेंगे। टमाटर को डालने के बाद हमें इसे भूनना है जिससे टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। अब इसको अच्छी तरह से पका लीजिए। अब इसमें हम धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमें इसे भूनना है। इसको भूनते रहिए। अब हमें इसे भूनते रहना है अच्छी तरीके से। इसमें ध्यान रखना है कि ये जो मसाला है ये नीचे ना लग जाए। अब इसमें हमें जो दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में चिकन रखा हुआ था इसमें इसको हमें मिक्स कर देना है। इसको मिक्स करने के बाद हमें इसे चला देना है। अब इसको हमें लगातार चलाना है जिससे कि मसाले सारा चिकन में चिकन एब्जॉर्ब कर ले और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसे हमें ऐसे ही भूनना है लगातार। इसमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें अभी पानी नहीं डालना है। जैसे ही मसाला इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अपने आप ही इसमें से पानी निकलने लगेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा चिकन मसाला मिलाएंगे। ये देखिए हमने चिकन मसाला मिला लिया है जिसका इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए इसका कितना सुंदर कलर लग रहा है। इसको हम 10-15 मिनट तक ऐसे ही इसे चलाते रहें या ऐसे छोड़ दें। ध्यान रखें कि नीचे मसाला ना लग जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब धीरे धीरे ये पकने लगेगा। देखिए किस तरह से पक रहा है ये और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें इसमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हमें जैसी थिकनेस की ग्रेवी चाहिए हमें इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसे हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। 10-15 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये पक गया है नहीं, इसको हम अपना चेक कर लेंगे। अब हमने चेक कर लिया है ये
पक चुका है और ये खाने के लिए रेडी है। आप भी इसी तरह से बनाइए और सभी को खिलाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।